आप सबको जय मसीह की। माय बेस्ट स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको मूसा के जन्म के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको निर्गमन की पुस्तक के पहले और दूसरे अध्याय में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब इजरायली मिस्र में रहा करते थे और उन्हें वहां रहते हुए 400 वर्ष हो चुके थे और इजरायली संख्या में बहुत ही बढ़ गए थे। तब फिरौन ने, जो मिस्र का राजा था, उसने इजरायलियों से रामसेस और पितोम नामक भंडार वाले नगर बनवाए। फिरौन इजरायलियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण उन्हें दुख देने और सताने लगा, लेकिन जितना वह उन्हें पीड़ा देता था, इजरायली उतना ही बढ़ते जाते थे। तब फिरौन ने शिप्रा और पुआ नामक दो धाइयों को आज्ञा दी कि इजरायल में पैदा होने वाले हर एक बालक को उसके पैदा होते ही मार डाला जाए, क्योंकि फिरौन को यह डर था कि यदि इजरायली ऐसे ही बढ़ते रहे तो एक दिन वो हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमसे लड़ेंगे और इस देश से निकल जाएंगे। तब वो इब्री धाइयां, जो यहोवा का भय मानती थी, फिरौन की आज्ञा ना मानकर लड़कों को जीवित ही छोड़ देती थी। तब फिरौन ने उनसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तब उन धाइयों ने कहा कि इब्री स्त्रियां मिस्र की स्त्रियों के समान नहीं हैं। वो इतनी फुर्तीली हैं कि हमारे पहुंचने से पहले ही बच्चे को जन्म दे देती हैं। इसलिए परमेश्वर ने इन धाइयों के साथ भलाई की और उनका घर बसाया। प्रियो, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी कि वो उसके वंश को आकाश के तारांगण के समान करेगा, और उसने वैसा किया भी। मिस्र में केवल 70 लोग ही आए थे, लेकिन 400 सालों में उनकी संख्या बढ़कर 20 लाख से भी अधिक हो गई थी। फिरौन, जो इसराइलियों को इस तरह से बढ़ते देखकर घबरा गया था, उसने भी इसराइलियों को बढ़ने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन जितना वह रोकता था, इजरायली उतने ही बढ़ते जाते थे। प्रियो, परमेश्वर की आशीषों को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर का वादा अब्राहम और उसके वंश से था, जिसे परमेश्वर पूरा भी कर रहे थे। इजरायलियों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि वो अब एक राष्ट्र बन गए थे। हालांकि इजरायली मिस्र में गुलाम थे, फिर भी फिरौन उनसे विचलित हो गया था। इसलिए उसने यह आज्ञा निकाली थी कि इज़राइल के परिवारों में जो भी बच्चा नर पैदा हो, उसकी हत्या कर दी जाए। यह योजना शैतान की थी, क्योंकि शैतान हमेशा से यहूदियों को मार डालने के लिए उनके पीछे लगा रहा है, लेकिन परमेश्वर हमेशा इज़राइलियों को उसकी युक्तियों से बचाता रहा है और शैतान की युक्तियों को उसी के सिर पर उलट देता है, जिससे परमेश्वर शैतान के काम को अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे ही प्रियो, हमारे जीवन में भी कई बार परमेश्वर शैतान के काम को इसलिए होने देना चाहते हैं क्योंकि उसके द्वारा वह अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि उस समय लेवी के घराने के पुरुष ने, जिसका नाम अमराम था, लेवी के ही घराने की एक स्त्री योकेबेद से विवाह किया और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब उन्होंने यह देखा कि यह बालक बहुत सुंदर है, तो उसे 3 महीने तक छिपा रखा, और जब वह उसे और ना छिपा सके तो सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रख कर नील नदी में कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन मरियम दूर खड़ी उस बालक को देखती रही कि उस बालक का क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नील नदी के किनारे आई। उसकी सहेलियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी देखकर अपनी दासी को उसे लाने के लिए भेजा। जब उसकी दासियां उस टोकरी को फिरौन की बेटी के पास लाई, तो उसने उसे खोलकर देखा कि उसमें एक रोता हुआ बालक है। तब उसे उस पर तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब उस बालक की बहन मरियम, जो दूर खड़ी होकर सब देख रही थी, उसने फिरौन की बेटी के पास जाकर कहा कि क्या मैं जाकर इजरायली स्त्री में से किसी को तेरे पास बुला लाऊं
जो तेरे लिए इस बालक को दूध पिलाया करे। तब फिरौन की बेटी ने कहा, जा ले आ। तब वह लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। तब फिरौन की बेटी ने उससे कहा कि तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे उसकी मजदूरी दिया करूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। वह स्त्री उस बालक की माँ योकेबेद थी, जो उसको दूध पिलाया करती थी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा। और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसको जल से निकाला है। प्रियो, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मूसा को उसकी माँ के विश्वास के द्वारा बचाया गया। अब आप सोचेंगे कि कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि जब मूसा का जन्म हुआ था तो फिरौन ने आज्ञा दी थी कि इज़राइल के लोगों में जो भी नर बच्चा पैदा होगा उसे मार डाला जाए। तब जब अमराम और योकेबेद को बेटा उत्पन्न हुआ तो उन्होंने उसे 3 महीने तक छुपा कर रखा ताकि फिरौन के लोग उसे मार ना डाले। मूसा बहुत सुंदर था और उसके जन्म से ही उसके माता पिता समझ गए थे कि यह लड़का कुछ विशेष है और परमेश्वर इसके द्वारा कुछ महान करने जा रहे हैं। इसलिए जब वह उसे और अधिक छुपा ना सके तो उन्होंने एक टोकरी लेकर उसमें उस बालक को रख दिया और उसे नील नदी में छोड़ दिया, क्योंकि उस बालक के माता पिता को विश्वास था कि परमेश्वर इस बालक को जीवित रखेगा। इसलिए इब्रानियों की पत्री के 11 अध्याय और उसके 23 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। उनके विश्वास का प्रतिफल यह था कि ना सिर्फ मूसा जीवित रहा बल्कि उसे दूध पिलाने के लिए भी उसकी माँ को ही बुलाया गया और उसका उसे भुगतान भी किया गया, क्योंकि फिरौन की बेटी यह नहीं जानती थी कि यह उसकी असली माँ है। योकेबेद ने परमेश्वर यहोवा पर और उसके वादों पर विश्वास रखा और इसलिए वह फिरौन की आज्ञा टालने से नहीं डरी। प्रियो, अमराम और योकेबेद ने जो किया वह एक जोखिम भरा कार्य था। 3 महीने के बालक को सरकंडों की टोकरी में रखना और उसे नील नदी में बहाना, इस कार्य के लिए बहुत हिम्मत और साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने नवजात शिशु के साथ ऐसा नहीं करता। लेकिन अमराम और योकेबेद परमेश्वर पर भरोसा रखते थे और उन्हें विश्वास था कि यदि परमेश्वर ने इस बालक को चुन लिया है तो वही इसे बचाएगा, और उसी विश्वास के साथ उन्होंने यह जोखिम उठाए और वह बालक फिरौन की बेटी के पास पहुंच गया और जिसने उस पर तरस खाकर उसे अपना लिया। प्रियो, यह घटना हमें सिखाती है कि हमें अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए और उनके भविष्य के लिए पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि कई बार हम अपने बच्चों के लिए चिंतित हो जाते हैं कि उनका पालन पोषण कैसा होगा या उनका भविष्य कैसा होगा, लेकिन हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि जिसने बच्चे दिए हैं उसके पालन पोषण की सामर्थ्य भी वही देगा, और यदि हम अपने बच्चों को परमेश्वर पर निर्भर होकर उन्हें पालते पोसते हैं तो विश्वास रखें कि वह परमेश्वर आपके बच्चों को कभी अंधकार में नहीं भटकने देगा। योकेबेद के विश्वास ने मूसा को बचा लिया, वैसे ही आपका विश्वास आपके बच्चों को बचा सकता है। हाँ, यह बात जरूर है कि आप अपने बच्चों को विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें ऐसी शिक्षा दे सकते हैं जिससे वह परमेश्वर पर विश्वास कर सके। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि मूसा का पालन पोषण और उसकी परवरिश फिरौन की बेटी के यहाँ पर ही हुई और उसने एक राजकुमार की तरह राजमहल में शिक्षा प्राप्त की। जब मूसा जवान हुआ तो एक दिन ऐसा हुआ कि वह बाहर जाकर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे एक इब्री भाई को मार रहा है। तब मूसा ने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तब उसने उस मिस्री को मार डाला और रेत में छिपा दिया। फिर अगले दिन जब वह बाहर गया तो उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं।
तब मूसा ने उनसे कहा कि तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो। तब उन्होंने मूसा से कहा कि किसने तुझे हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? क्या जिस तरह तूने मिस्री को मारा, क्या उसी तरह से तू मुझे भी मार डालना चाहता है? तब मूसा यह सोचकर डर गया कि निश्चय वह बात खुल गई है और सबको पता चल गया है कि मैंने एक मिस्री को मारा है। फिर जब फिरौन राजा को यह बात पता चली कि मूसा ने एक मिस्री जन को मारा है, तब फिरौन ने मूसा को मार डालने की योजना बनाई। लेकिन मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में चला गया और वहाँ एक कुएं के पास बैठ गया। मिद्यान के याजक की 7 बेटियाँ थीं और वे वहाँ उस कुएं के पास जहाँ मूसा बैठा था आई, ताकि कठौतों में जल भर कर अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाए। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता रूवेल के पास आई, तब उसने उनसे पूछा कि क्या कारण है जो आज तुम इतनी जल्दी आ गए हो? तब उन्होंने अपने पिता से कहा कि एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। तब रूवेल ने अपनी बेटियों से कहा कि वह पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ आई हो? उसको बुला लाओ कि वह हमारे साथ भोजन करे। तब वे मूसा को बुला लाई और उसने उनके साथ भोजन किया। तब रूवेल ने मूसा से अपने साथ रहने का और अपनी एक बेटी का विवाह मूसा से करने का प्रस्ताव रखा, जिसे मूसा ने स्वीकार कर लिया। तब रूवेल ने अपनी बेटी सिपोरा का विवाह मूसा से करवा दिया और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उसने यह कहकर गेरशोम रखा कि मैं अन्य देश में परदेशी हूँ। तब मूसा वहीं रहने लगा और अपने ससुर रूवेल की भेड़ बकरियों को चराने लगा और उसे वहाँ रहते हुए 40 वर्ष हो गए। प्रियो, कुछ बातें हैं जो इस घटना से हमें सीखना जरूरी है। सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि जब मूसा का जन्म हुआ, उस समय फिरौन ने इब्रियों के हर एक नर बच्चे को मारने की आज्ञा दी थी, लेकिन योकेबेद ने मूसा को फिरौन के लोगों से 3 महीने तक छिपा रखा। अर्थात योकेबेद ने फिरौन के लोगों से अपने बेटे को बचाने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। वैसे ही प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक माँ अपने बच्चों को शैतान के चंगुल से बचाने के लिए हर संभव कोशिश करे, क्योंकि शैतान फिरौन की तरह विश्वासियों के बच्चों को फाड़ खाना चाहता है, उन्हें बर्बाद करना चाहता है और नष्ट करना चाहता है। इसलिए हर माँ को अपने बच्चों के लिए सावधान होना और उसकी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना जरूरी है। इसके साथ हम यह भी देखते हैं कि जब मूसा को फिरौन की बेटी ने गोद लिया, तो उसका पालन पोषण फिरौन के महल में हुआ। उसे उच्च शिक्षा मिली और वह मिस्र का होने वाला अगला राजा था। लेकिन मूसा को चुनने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। मूसा का सांसारिक ज्ञान और योग्यता परमेश्वर नहीं चाहते थे। परमेश्वर मूसा को शून्य बनाना चाहते थे, ताकि परमेश्वर की बुलाहट से पहले मूसा में कोई घमंड ना रहे या उसके अंदर घमंड करने वाली कोई बात ना रहे। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को अगले 40 साल रेगिस्तान में बिताने दिए, जिससे मूसा यह जान ले कि वह कुछ भी नहीं है। वैसे ही प्रियो, अपनी महिमा के लिए उपयोग करने से पहले परमेश्वर हमें रेगिस्तान में लेकर जाता है, ताकि वह हमारे अंदर से हर एक प्रकार के घमंड को बाहर निकाले और हमें सिखाए कि हम कुछ भी नहीं हैं। और जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि परमेश्वर ही सब कुछ है, तब वह अपने महान कार्य के लिए हमें उपयोग करता है। एक और बात प्रियो, कि जब मूसा बाहर अपने लोगों पर अत्याचार होते देखता है, तो वह एक मिस्री जन को मार डालता है। और जब यह बात सब लोगों, यहाँ तक कि फिरौन को भी पता चल जाती है, तो मूसा अपने प्राण बचाने के लिए मिस्र से भाग जाता है। यहाँ हम देखते हैं, मूसा जब जवान हुआ तो उसने अपने लोगों की सहायता करने की कोशिश की, लेकिन उसका तरीका गलत था और उसमें वह असफल हो गया। अब मूसा एक हत्यारा और भगोड़ा था। यहाँ हम मूसा की असफलता को देखते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमारे असफल होने के बाद भी हमें नहीं छोड़ते। हमारी असफलताएं परमेश्वर की योजना को, जो हमारे जीवन के लिए है, रोक नहीं सकती।
बल्कि हमारी असफलताएं ही हमारे लिए परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मार्ग बनाती है। ध्यान रखें प्रियो, मूसा को परमेश्वर ने तब चुना जब वह पूरी तरह टूट चुका था। आशा करती हूँ प्रियो, मूसा के जन्म की यह घटना आपके लिए आशीषमय रही होगी। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।